की जय, भारत माता की जय, पाटन राजपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाटन राजपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सभा की डॉक्टर तवड़िया जी की टीम आपको ये ज्ञापन देने के लिए आई है कि आपको विदित है 15 अगस्त 2024 देश स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहा है और आज़ादी के बाद हम अपने मूल बिंदु संस्कृति के चिन्हों की रक्षा नहीं कर पा रहे। 100 करोड़ हिंदू की गाय लापरवाही और देखरेख न होने के चलते लोग तड़प गाँव वंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कई की मृत्यु हो चुकी है और कई मृत्यु होने करीब है, जिसकी पुष्टि हेतु कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। गौशाला की स्थिति बहुत दयनीय लाचार है, बिना इलाज के गौवंश तड़प कर मर रहे हैं। प्रशासन और उपजिलाधिकारी के विषय को संज्ञान में देने के पश्चात भी 9:30 बजे रात्रि से लेकर लगभग 1 से 1.5 बजे डॉक्टर साहब वहाँ पहली बार वहाँ पहुँचे हैं। गाय की दुर्दशा का वीडियो और फोटो आपको पूर्व में हमने सोशल मीडिया से भेजे हैं। जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं गौ माता संरक्षण के प्रति संवर्धन के प्रति संकल्पित है, ऐसे आराध्य अपने योगी आदित्यनाथ जी, वह एक संत है, गौपालक है। उसके पश्चात भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर संचालित गौशाला का यह हाल लापरवाही का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल नगर पालिका परिषद से यह मांग करता है कि संबंधित डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कोई गाय सब उसमें बीमार हुई और उसको 8 दिन 10 दिन तक लगातार देखा ही नहीं जाएगा, या कंपाउंडर स्तर के आदमी को भेज दिया जाएगा, तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज होती है, कोई बीमारी होती है तो वो 2 दिन 4 दिन। इसलिए आपसे हमने लेकिन एक मांग और भी की है कि एक व्यक्ति नगर पालिका से भी तय करो जो उसकी रिपोर्ट बनाए, वो डॉक्टर नहीं आता, हम प्रैक्टिकल प्राइवेट डॉक्टर जाकर भेज दें। आपको मैं बताता हूँ, वहाँ के अंदर जो चारा आता था, जो आपने चारे की बात कही, हमने इस सारी संज्ञान में देख के वहाँ पे बकायदा हमने मशीन लगाई जिससे चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बकायदा वहाँ पे शेड डलवाया और शेड की हमने हम लोगों ने वहाँ पे प्लानिंग की। ऐसा नहीं है, जो 1.25 साल के अंदर जो भी गौशाला के अंदर हम लोग जितना से ज्यादा प्रयास कर सकते थे वो हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ये डॉक्टर की वजह की लापरवाही की वजह से जो ये घटना घटित हुई, इसके लिए मुझे खेद है, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है बयान करने के लिए। उस दिन से मेरा को बहुत ज़्यादा इस बात का मतलब, क्योंकि आज ये शब्द नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें 100% इसके अंदर उनको सजा भी मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारा तो ये संचालन नगर पालिका के देश आज़ादी का पर्व मना रहा था, हमको सूचना मिली कि पिलखुआ की नगर पालिका की गौशाला, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, संत है, गाय के प्रति चिंतित है, गौ पालक है, ऐसे योगी जी के आदेश पर संचालित पूरे देश के अंदर जो गौशाला खुली, उनमें से एक गौशाला पिलखुआ की नगर पालिका की है। वहां पर पता लगा कि गाय लगातार तड़प तड़प कर मर रही है, गाय के लिए चिन्हित डॉक्टर वहां देखने जाता नहीं है, और ज्यादा विषय बन जाए तो केवल कंपाउंडर जाके इंजेक्शन लगा दे। समय पर मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे, वहां देखा 3-4 गाय पहले मर चुकी, 2-3 गाय मरने की अवस्था में है, लगातार पिंजर बने हुए वहाँ पर हडमास दिखाई दे रहे हैं, उनकी वीडियो फोटोग्राफी कराई गई। प्रशासन के बंधु वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने फोन किया डॉक्टर को, पर डॉक्टर का कहना था मैं वहाँ नहीं आ रहा, मैं मौत में गया हूँ। लगातार फिर SDM साहब से बात हुई, SDM साहब का कहने पर वक्त लगभग 9:30 बजे की कॉल के बाद वह 1:30 से 2 बजे के आसपास डॉक्टर वहाँ आता है। कर्मचारी का कहना है कि डॉक्टर यहाँ कभी आता ही नहीं है, और स्टेटमेंट पेपरों में देता है कि मैं यहाँ आता हूँ, दिखाई देता हूँ, ऐसा षड्यंत्र करने वाला डॉक्टर। और गायों की ये इस तरीके से निर्मम हत्या हो रही है, इसका जिम्मेदार नगर पालिका पिलखुआ तय करे। उनको ध्यान में होगा कि ये कृत्य करने वाला कौन है, अगर डॉक्टर जिम्मेदार है तत्काल प्रभाव से निलंबित करो, और जो भी शख्स जिम्मेदार है, नगर पालिका तय क्यों नहीं करती है भाई इस गौशाला कौन देखने वाला है, इतना बड़ा बजट सरकार ने दिया है, इन गायों की हत्या हो रही है। यह देश गायों के लिए सुरक्षित देश होना चाहिए, ये गाय हिंदुओं की माँ है। अरे जिस धर्म को मानने वालों की संख्या भारत के अंदर 100 करोड़ है, उस गाय की तड़प तड़प कर बिना इलाज के मेरे मृत्यु हो जाए, अरे डूब मरना चाहिए इस लोगों को, इसके संचालकों को, इसके संरक्षणकर्ताओं को। ये केवल राजनीति बनाकर काम कर रहे हैं, वहां पर देख गांव के गोबर के ढेर लगे हैं, वहां पर भीड़ लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, गाय मर रही है लगातार। अभी परसों एक गाय का हत्या हो गई, उसके मरने के तुरंत बाद उसको दवाने का काम तो कर रहे हो, पर जिंदे रहते उसको दवाई देने का काम नहीं कर रहे। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और ऐसे लापरवाह लोग उनकी चिन्हित करके जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल इस नाते चेतावनी देने के लिए आया है, हम मात्र अपनी ज्ञापन पर लिखकर मात्र शिकायत नहीं दे रहे, ईंट से ईंट इस नगर पालिका की बजा देंगे अगर गाय की हत्या पिलखुए के अंदर हो जाती है। ये तो हत्या और क्रूर हत्या है, आप बिना इलाज के उसको मार रहे हो, शर्म नहीं आती, कैसे गौपालक बनते हो? अरे इस देश की सरकार को बदनाम करने षड्यंत्र चला रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, गौपालक की सरकार है, और पिलखुआ के अंदर गाय मर रही है, शर्म नहीं आती।
डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। हम चेतावनी देते हैं इसके जिम्मेदार जो लोग हैं, अरे 100 करोड़ हिंदुओं की गाय माँ है, हमारी माँ को मरने काम का दुष्ट, आपको शर्म आनी चाहिए, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव डॉक्टर को निरस्त करना चाहिए। नगर पालिका परिषद पिलखुआ यहाँ के सक्षम अधिकारी अपने हिसाब पर सूची को बनाकर तुरंत दे और वहाँ पर शासन को सौंपे। दूसरा, वहाँ गाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय हो कि कोई गड़बड़ होती है तो ये सब जिम्मेदार है। हम किसको पकड़ेंगे साहब? हम पकड़ेंगे नगर पालिका अध्यक्ष को, फिर हम पकड़ेंगे यो साहब को, आप तय करके दो हमें ये आदमी गौशाला को देखने वाला है। दूसरा, उसकी सफाई निरंतर हो, उसके अंदर फिनाइल पड़े, गाय गौशाला के अंदर घुसने की आप हिम्मत देखिए, वहाँ सड़ाल हो रही है, सड़ सड़ कर मर रहे हैं, आप फोटो खींच के देखिए वहाँ पर जाकर, आपको शर्म आनी चाहिए। एक जानवर भी अगर कोई मरता है तो ये तो हमारी माँ है भाई, गाय को पशु कहने वाले लोग उनको डूब मरना चाहिए। हिंदुओं की आराध्या की ऐसी अवहेलना हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज गोवंश को लेकर नगर पालिका में प्रदर्शन किया गया है, क्या है पूरा प्रदर्शन? आज गोवंश को लेकर जो बजरंग दल वाले हैं वो प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया। इसके अंदर जो 15 तारीख को ये घटना हुई, ये जो बछड़ा था ये जो है हमें गौशाला में कोई देकर गया, इस टाइम पे भी ये बीमार अवस्था में था जब ये बछड़ा हमारे पास आया, और हमने बाकायदा पशु चिकित्सक को लगातार कर्मचारी अवगत करा रहे थे। वो 10 तारीख को नगर पालिका के अंदर आए थे, उसके बाद वो 15 तारीख को रात को आए जब ये सारा का सारा प्रकरण हुआ, और इसके अंदर मैंने तुरंत जैसे ही मेरे को ये पता चला, हमने तुरंत जो है जिलाधिकारी महोदय को हमने इसके लिए बाकायदा लेटर लिखकर भेजा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, उसके अंदर पशु चिकित्सक अधिकारी जो राजपाल हैं डॉक्टर राजपाल, उनके खिलाफ़ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो विषय पूरा का पूरा हमने डीएम मैडम को बताया, और जो ये बछड़े की जो डेथ हुई है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि हम लोग जो है गऊ माता को हम पूछते हैं, हमारे लिए जो है गऊ माता सब कुछ है, और जो ये घटना हुई है इसके अंदर जो लोग भी इसके अंदर लिप्त हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। गोवंश को लेकर नगर पालिका की तरफ से क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है? गोवंश को लेकर पहले जो हमारे यहाँ चारा आता था, हमने अभी लगभग 15 दिन पहले चारे काटने की मशीन हमने नगर पालिका के अंदर लगाई। हमने बकायदा शासन को कान्हा गौशाला की जो सरकार की एक स्कीम है उसके अंदर हमने DPL लगा के भेजी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो जगह है गौशाला के लिए वो जगह काफ़ी कम पड़ती है। हम लोगों ने इस एक साल के अंदर वहाँ पे एक शेड हम लोगों ने डलवाया, क्योंकि जो गऊ माता थी हमारे पास, गऊ वंश जो हो रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे, और वो लोग बकायदा धूप और सर्दी के अंदर वो लोग रहते थे। जिस टाइम पे मैं अध्यक्ष बना जो है, तो हमने वहाँ पे एक शेड डलवाया, एक शेड जो जगह बची हुई है वहाँ पे डलवाने का काम जो है शुरू हो चुका है, वो शेड का काम भी पूरा जल्द से जल्द हो जाएगा। तो हम लोग बकायदा चारा पानी हम लोग जितना भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का हम लोग प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन?